गुड मॉर्निंग दोस्तों, 10 अगस्त के अखबारों के सार सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखेंगे 10 अगस्त के कौन कौन सी न्यूज़ हमारे प्रस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले इजरायली मिसाइल का टेस्टिंग हुआ है, कहाँ पर? हमारे पोखरण फायरिंग रेंज में, जैसलमेर में जो पोखरण फायरिंग रेंज है वहाँ पर एक मिसाइल टेस्ट की गई। कौन सी मिसाइल? स्पाइडर मिसाइल। स्पाइडर मिसाइल के बारे में दो तीन पॉइंट देखें। पहला पॉइंट क्या है, ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज 15 किलोमीटर है, यानी 15 किलोमीटर रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसका नाम क्या है? स्पाइडर। कौन से कंट्री से ये इम्पोर्ट की जा रही है या टेक्नोलॉजी ली जा रही है? तो इजराइल से टेक्नोलॉजी ली जा रही है। तो ये तीन पॉइंट ध्यान रखना है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस से छोड़ी जाती है और हवा मार करती है। 15 किलोमीटर रेंज है और कहाँ से ली गई है? इजराइल से ली गई। कहाँ पर परीक्षण किया गया? हमारे पोखरण फायरिंग रेंज में। तो राजस्थान के एग्जाम के परस्पेक्टिव से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैनिक जागरण ने इसको कवर किया है। अगली जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स पेज के हर अखबार के पन्ने पर ये न्यूज़ है कि जो BCCI अभी तक जो खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट जो होता था, डोपिंग टेस्ट, वो एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा कराया जाता था। जैसे कि हाल ही में एक खिलाड़ी चर्चा में भी रहा था, पृथ्वी शाह डोप टेस्ट में फेल हो गए और उन पर 8 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था BCCI ने। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने BCCI को नाडा के अंतर्गत कर दिया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के अंतर्गत आ गई है BCCI। तो दैट इज़ द गुड स्टेप। इससे क्या होगा कि खिलाड़ियों का साल में 3 बार कभी भी टेस्ट किया जा सकता है और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो हम नाडा के बारे में देखेंगे कि ये नाडा क्या है और इससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट हमारे प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहली बात तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 24 नवंबर 2005 में की गई थी और ये सोसाइटी एक्ट 1890-89-0 के तहत पंजीकृत संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? JLN जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और ये किसके अंतर्गत काम करती है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा के अंतर्गत ये काम करती है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का बारे में दो पॉइंट ध्यान रखें कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा के मोनेट्रियल में। मोनेट्रियल प्रोटोकॉल भी सुना होगा, कनाडा के मोनेट्रियल सेल में इसका हेडक्वार्टर है, पहला पॉइंट। और दूसरा, इस वाडा की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, सिडनी ओलंपिक से पहले 10 नवंबर 1999 में वाडा की स्थापना हुई थी। ये क्या करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर डोप से संबंधित खिलाड़ियों के अंदर जो प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो वाडा और नाडा के बारे में अपने पॉइंट ध्यान रखना है कि नाडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 2005 में, वाडा 1999 में, कनाडा मोनिट्रियल प्रोटोकॉल और BCCI नाडा के अंतर्गत आए। इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है ये दैनिक भास्कर से कवर की गई है। 66 जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, सॉरी नेशनल फिल्म प्राइज है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उनकी घोषणा कर दी गई है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता संयुक्त रूप से 2 को दिया गया है, उड़ी दो सर्जिकल स्ट्राइक, द सर्जिकल स्ट्राइक के जो विक्की कौशल है, और एक मूवी थी अंधाधुन के आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को ये नेशनल प्राइज मिला है, फिल्म प्राइज मिला है 66वां। इसके अलावा बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की तो गुजराती फिल्म हेलारो सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। इसके अलावा बात करें हमारे राजस्थान के प्रस्पेक्टिव से तो बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म घोषित की गई है मछली को बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म घोषित किया गया है। और इसके अलावा एक राजस्थान से संबंधित ही फिल्म है टर्टल, उसको बेस्ट राजस्थानी फिल्म, तो बेस्ट राजस्थानी फिल्म कौन सी? टर्टल। बेस्ट अगर नेशनल लेवल पर फिल्म बोले तो राष्ट्रीय फिल्म बोले तो हेलारो, गुजराती फिल्म है हेलारो। और अगर बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म बोले तो कौन सी है? मछली। और अगर बेस्ट सोशल फिल्म बोले तो अक्षय कुमार की पैडमैन इज़ वेरी गुड मूवी एंड इसने सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है, जो एक ऐसे टॉपिक पर इस फिल्म को बनाया गया जो सोसाइटी के अंदर स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर हित दृष्टि देखा जाता है।
इसके अलावा अगर इस लिस्ट में देखें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार किसको दिया गया, कीर्ति को दिया गया। तेलुगु फिल्म में इन्होंने काम किया था महानती, महानती में के कीर्ति को दिया गया। इसके अलावा सोशल इश्यूज पर हम बता ही चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सर्जिकल द सर्जिकल स्ट्राइक, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के आदित्य धर को दिया गया। तो ये दो तीन पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी हेलारो, सोशल फिल्म कौन सी थी पैडमैन, राजस्थान की कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म टर्टल। नेक्स्ट क्या है, राज फाउंडेशन, राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान फाउंडेशन पहली बात तो क्या है कि जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी है, विश्व के विभिन्न भागों में नॉन रेजिडेंट राजस्थानी है, उनको राजस्थान से जोड़ने के लिए और राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए, प्रमोट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए राज फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया किसको, धीरज कुमार श्रीवास्तव को, धीरज कुमार श्रीवास्तव। तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान फाउंडेशन करता क्या है, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी को राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सहयोग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके अलावा इसके चेयरमैन को इसको नियुक्त किया है, धीरज कुमार श्रीवास्तव को इसका चेयरमैन नियुक्त किया है। दैनिक भास्कर ने इसको कवर किया है। इसके अलावा ये हर न्यूज़ चैनल के हेडलाइन पर था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर पाकिस्तान गया है जम्मू कश्मीर के इशू पर, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो सुरक्षा परिषद काउंसिल है उसने अभी इस इशू पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। तो उसके चेयरमैन कौन है ये थोड़ा सा अपने को नाम पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद उसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है, जोआना रोनेका। तो जोआना रोनेका ने अभी इस पर कमेंट करने से मना कर दिया। हमारे काम की बात यह है कि इसके चेयरमैन कौन है, जोआना रोनेका। अगली जो न्यूज है कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी अभी तक कौन थे, गौतम गंभीर थे। अब ये कारनामा किसने कर दिया, शुभम गिल ने। हालांकि ये एक अनऑफिशियल टेस्ट था, लेकिन सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है, शुभम गिल, पहले कौन थे, गौतम गंभीर। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने एक न्यूज और कवर किया है कि यूपी सरकार ने सबसे ज़्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 22 करोड़ पौधे लगाए। तो पूछा जा सकता है भाई कौन से स्टेट ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक दिन में सबसे ज़्यादा पौधा रोपण करके, तो यूपी सरकार ने 22 करोड़, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेक्स्ट ईयर 25 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा जो लास्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक इसमें इससे क्वेश्चन निकलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, और स्पेशली MMR के लिए, मीजल्स मम्स रूबेला। तो पहली बात तो इनके बारे में दो तीन बातें पता होनी चाहिए। मीजल्स मम्स रूबेला कैसी डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, यानी कि वायरस होने वाली डिजीज़ है। इस वैक्सीनेशन के लिए इसका प्रोग्राम क्या है, तो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जो है 9 माह से 15 वर्ष तक इसको लगवा सकते हैं, 9 माह से 15 वर्ष तक लगवा सकते हैं इसको। पहला डोज इसकी कब तक, 12 महीने से 15 महीने तक लगवा सकते हैं। दूसरी डोज इसकी कब तक, 15 महीने से 6 वर्ष तक इसकी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। तो ये MMR का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसमें अपने चाइल्ड का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, दैट इज़ मस्ट नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, एंड दैट इज़ अवर टू डेज अखबारों का सार सीरीज। होप सो यू लाइक इट, एनी सजेशन प्लीज़ पुट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, एन्जॉय द रेनी सीजन।